अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट वी रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन पर अटका हुआ है और काफ़ी अरसे से अटका हुआ है, आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं लेकिन आप रिकवर नहीं कर पा रहे अपने अकाउंट को और वो आपका अकाउंट डिसेबल भी नहीं हो रहा, बस वी रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन पर अटका हुआ है, प्रूफ आप बार बार सेंड कर रहे हैं नहीं रिकवर हो रहा, तो आज की वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताऊँगा कि कैसे आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, कैसे या फिर वी रिसीव्ड से उसे डिसेबल पर ले जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आप सबको मिल सके। दोस्तों वीडियो आपने वीडियो को तो देखना ही देखना है क्योंकि आपकी ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वीडियो आपने पूरी देखनी पड़ेगी और वीडियो देखते ही अगर आप साथ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें तो इससे आपको तो कुछ भी नहीं होगा कि इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि आपकी तरफ से हमें प्यार मिल सके, सपोर्ट मिल सके और हम आपको वीडियो में दिखा सकें कि कैसे आप अपने अकाउंट्स को रिकवर कर सकते हैं। जिस तरह का भी टॉपिक्स होता है उस हिसाब से फिर इस तरह के जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलता हूं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने प्ले स्टोर से एक ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है, ये मिंट ब्राउज़र, ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। इसका आइकन आप देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, ये मिंट ब्राउज़र है, ठीक है, इसको आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपने अकाउंट लॉगिन कर लेना है इसमें जो आपका वी रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन पर, ये देख सकते हैं ये वी रिसीव्ड योर इन्फॉर्मेशन, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और साथ ही लॉगआउट के बटन पर क्लिक करना है और आपके पास ये लिखा आएगा दिस अकाउंट विल बी डिसेबल्ड इन वन डे, तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसका जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे उसके बाद आपने ये करना है कि आपके मोबाइल में पिक्सआर्ट या फिर पिक्सल ऐप होगी उसको आपने ओपन कर लेना है, जैसे कि ये मैंने ओपन कर ली, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने ये करना है कि मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ से आपने कलर वाइट रख लेना है। वाइट रखने के बाद आपने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और दोनों स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले आने हैं, जैसे कि मैं ले आता हूँ, दोनों स्क्रीनशॉट आपने इस तरह जोड़ लेना है, ठीक है। जोड़ने के बाद इस तरह आपने जो है ना बना लेना है, ठीक है, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट आपने सेव कर लेना है, दोनों आपने सेम जोड़ के इस तरह बना लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि मिंट ब्राउज़र पर चले जाना है। मिंट ब्राउज़र पर जाते ही आपने इन दोनों का जो है ना आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर एक टैब और ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने टॉयलेट, आपने गूगल पर सर्च कर लेना है, ठीक है, प्रिवेंट सिक्योरिटी चेक्स प्रिवेंटिंग लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर आते ही आपने डिस्क्रिप्शन और इशू में यहाँ पे आपको एक अपील दूंगा, अपील सिर्फ आपने मेरी ट्राई करनी है और अपील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं अपील यहाँ पे डाल देता हूँ। तो गाइस अपील मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, अपील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, अपील मैंने डाल दी, ठीक है। इस अपील का फ़ायदा आपको ये होगा कि यहाँ से अपील डालने के बाद आपका अकाउंट जो है वो हेल्प सेंटर पर चला जाएगा, मतलब कि फेसबुक तक पहुँच जाएगा, तो इससे ये होगा कि या आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा या फिर 24 घंटे के अंदर रिकवर हो जाएगा, दोनों में से एक जो है ना प्रॉब्लम जो है ना, अगर डिसेबल्ड हो जाता है तो उससे फिर और मैटर में आपको बताऊंगा कि रिकवर आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट जो है ना वो जो लिए हैं आपने वो यहाँ पे अपलोड कर लेना है, तो मैं स्क्रीनशॉट अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट वही दोनों आपने करने जो मैंने आपको बताया जिस तरह उसी तरह आपने करने, उसके बाद सेंड के बटन पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये हेल्प सेंटर पर तक चली जाएगी, ठीक है, ये देखें सेंड हो चुकी है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखें हेल्प सेंटर तक चली गई। अब दूसरा लिंक आपने ओपन कर लेना है, ठीक है, दूसरा लिंक आपको मिल जाएगा रिपोर्ट लॉग इन इशू, ठीक है। रिपोर्ट लॉग इन इशू में यहाँ पर भी आपने ये जो है ना यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर आपने यहाँ पर अपील पोस्ट कर लेनी है, उसके बाद स्क्रीनशॉट यहाँ पर ओपन कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैं डाल लेता हूँ, ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया, उसके बाद सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। बस ये दो काम करने हैं 24 घंटे के अंदर, या फिर आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा या फिर आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर, इंशाल्लाह आपको फेसबुक की तरफ से मेल आ जाएगी अगर आपका अकाउंट जीमेल के साथ कनेक्टेड है। तो जीमेल नहीं भी आती तो आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो जाएगा, अगर डिसेबल्ड हो जाता है तो उसके लिए फिर आप मेरी मज़ीद वीडियोज़ में आपको अपने यूट्यूब चैनल पर ले चलता हूँ, वहाँ पर मज़ीद मैंने काफ़ी ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ जो है ना डिसेबल्ड फेसबुक पर अकाउंट पर हैं और आप वीडियो देख के आप मेरे चैनल से आप वीडियो ये देख सकते हैं। तकरीबन ज़्यादातर अकाउंट जितने भी हैं वीडियोस हैं वो डिसेबल फेसबुक अकाउंट पे हैं, तो इससे यह है कि इन वीडियोस को देख के अपना अकाउंट डिसेबल जो है वो रिकवर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये काफ़ी सारी, ये कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 100% वर्किंग है, इसको देख के भी आप ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर हाजिर हूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।